अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 113 के ऊपर डिस्कस करते हैं। और आज के इस लेसन में हम प्रोजेक्ट नंबर 8 पे पार्ट बी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले प्रीवियस लेसन में हमने पार्ट ए किया था और उसमें हमने ड्राइंग बनाई थी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, मीन 40 मिनट्स का वो ट्यूटोरियल था, तो फिर मैंने उसे स्टॉप किया और उसी वहीं से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेसन में हमने वही काम करना है, फुल वोल्टेज नॉन रिवर्सिंग स्क्वायर गेज मोटर कंट्रोलर सर्किट डायग्राम के ऊपर डिस्कस करना है। ओके, तो ये डायग्राम, इस पे हमने यहाँ से ये ड्राइंग हमने यहाँ तक बनाई थी, नीचे वाले ये कंपोनेंट्स रहते थे। आज के लेसन में हम इन कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद हमने जो काम करना है वो क्या है कि मैं यहाँ से इसको एक ड्रॉ आउट पुश बटन लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पुश बटन नहीं है, तो आप यहाँ पे मेन्यू में जाएं, और यहाँ से आप पुश बटन ले लें, पुश बटन को यहाँ पे आप ऐड करें। और इसका नाम लिख दें ड्रॉआउट। जो आउटपुट पुश बटन है, ओके, और साथ में अब इसी को कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्लिक करें, पेस्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जिसने दिया हुआ जी डॉट एलवी डॉट, क्लिक करें यहाँ पे, क्लिक करें, ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ। यहां से नीचे आप लाइन लें, यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक एक्सटेंड करें, ई एक्स एंटर, सेलेक्ट करें इसको, इसको ट्रिम कर दें ऊपर वाली को। यहाँ पे आपने ये लगाना है, इसको आप कॉपी करें, ओके, तो यहाँ से कॉपी करें, बिल्कुल के सामने यहाँ पे लगा दें, ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे आपने यहाँ पे फ्यूज लगाना है, और फ्यूज हमने यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए, कॉपी करें इसको, एफ यू एंटर, ओके, और इसी के साथ आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे से, एल एंटर, और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं वो आपने लगाने, स्टॉप बटन है, फिर स्टार्ट बटन है, तो आपने स्टॉप बटन यहाँ पे लगाना है, बटन, और सॉरी बटन, स्टॉप बटन लगाएं यहाँ पे आप, स्टॉप, और इसी के साथ आपने स्टार्ट लगाने, फिर प्रेस करें,
थोड़ा सा आगे करके लगाएं, स्टार्ट। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करें। यहाँ से ओके, नीचे से एक और अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। EXT EXT select और sorry EX only EXT मैं प्रेस करूँ। ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ। ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्यूज लगाना है और फ्यूज यहाँ पे ये है, कॉपी करें इसको। यहाँ पे लगाएं ना, बाद में चेंज कर लेंगे, और इसको कॉपी करें यहाँ पे लगाएं। ओके, और एक यहाँ पे लगाने, तो वो थोड़ा चेंज है, वो कौन से जी देखते हैं, उसके लिए मैं आइकन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और रिले ये वाली। तीनों का नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, राइट क्लिक करें यहाँ पे, एट्रीब्यूट, एडिट एट्रीब्यूट, सी आर, ओके, ओके, सी आर, ओके, एच, ओके, एच, ओके। इस लाइन को मूव करें नीचे पूरे सर्किट को मूव किया। अब इसमें एक चीज है, चैम्फर कमांड सी एच ए एंटर करें, इसको चैम्फर कमांड दे दें। अब एक चीज है, वो क्या है कि आपका यहाँ पे इसको ही मूव कर लें, एम एंटर, ओके। अब यहां पे एक चीज है कि चैम्फर,
जो रेक्टिफायर है यहाँ पे लगा हुआ। अब ये रेक्टिफायर यहाँ पे आपके पास इसमें है नहीं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने खुद एक रेक्टिफायर डिजाइन करना है। उसके लिए देखें, इसके साथ डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे चार डायोड लगे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, फोर डायोड लगे हुए। और ये रेक्टिफायर है आपके पास, तो ये हमने डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए आपको तरीका बताता हूँ मैं, जिस तरीके से आपने डिजाइन करना है इसको। तो वो तरीका है जी, यहां से मैं एल एंटर करता हूँ इस शेप में, एल एंटर। फिर प्रेस करता हूँ, ओके, और यहां से ऐसे मिरर कर लें इसको, एम आई एंटर। फिर प्रेस करके स्ट्रेट बिल्कुल मिरर करना है आपने, मिरर करना है मिरर। और अब इसको भी मिरर करें, एम आई एंटर, और यहां से इसको भी स्ट्रेट में मिरर करें, ओके। इसको मूव करें, इसको मूव करें, अच्छा सही है। अब आपने क्या करना है कि डायोड लेने, क्लिक करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होंगे, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स ये, और इसमें आपको डायोड मिलेगा जी, ये डायोड है, इसको यहाँ पे आप एडजस्ट करें, ओके। और नाम इसका कोई भी नहीं है, टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा ये देखें, अब ये देखें इसका आप जरा देखें, तो ये इस तरह रोटेट किया हुआ है, तो इसके लिए आपने यहाँ से इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करें, और यहाँ से आपने इसको देना जी, या आप आर ओ एंटर करें रोटेट के लिए, आर ओ रोटेट सिलेक्ट करें इसको, और इसको आप रोटेट कर दें, F8 प्रेस करें, ये ले, मूव करता हूँ इसको मैं, ये ले। अच्छा अब इसमें देखें, राइट क्लिक करता हूँ, और ये कौन सा साइड पे सही है, यहाँ पे फिर रोटेट करें, आर एंटर करें, ये मूव करें इसको, एम एंटर, आरओ एंटर, ओके, अब सही है। और इसको मूव करें, एम एंटर, सही है।
ये सब सही है। और इसको यहाँ से ट्रिम कर दें इसके बीच में से। ब्लॉक होने ट्रिम नहीं होगा। ओके अब इसी को मूव करें एमेंटर। कंट्रोल सेट सॉरी मूव नहीं कॉपी करने आपने। देखिए इसका साइज के भी सेट भी मुड़ा हुआ है। कॉपी करें सी पी एंटर। ओके और इसी तरह आप इसको यहां से दोबारा कॉपी करें। रोटेट करें आर ओ एंटर। मूव मूव यहाँ से ये सही हो गया। तो थोड़ा सा मूव करें आगे। कॉपी करें देखिए ऑटो कैड ने कितनी आसानी हमें दी हुई है कि आपके पास सिंबल बने बनाए होते हैं, आप सिर्फ आपने एडजस्ट करने। अब एक सिंबल नहीं है तो उसे बनाने के लिए कितना मुश्किल काम है और कितना टाइम लगता है। ओके अब इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक ऊपर है एक नीचे है, तो आप इसको क्या करें यहाँ से मूव करें एमेंटर। क्योंकि आप इसको मूव नहीं करना, राइट क्लिक करें और यहाँ से आपने पहले तो हाइड करने सारे, सिर्फ एक जो आपको चाहिए आप उसको सिर्फ सामने लाएं और आपने हाइड एट्रीब्यूट करने। ओके तो पॉजिटिव टर्मिनल ये ऊपर है नेगेटिव नीचे है, तो यहाँ से इसको मूव करें। और इसको ही मूव करें। और पॉजिटिव नेगेटिव खुद लिख लें। प्लस प्लस ओके अब आपने क्या करना है कि यहाँ तक ही काम कंप्लीट हुआ और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे देखिए बैटरी अटैच करनी है, और उसके लिए आप यहाँ से वायर लें।
CHHM फिर कमांड अप्लाई करें। बैटरी टेस्ट करनी है तो यहाँ पे जाएं और आप यहाँ से बैटरी ढूंढ लें। तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया सर्कट सारा का सारा। अब हमने एक दो चीज़ें इसके साथ लगानी है और कुछ राइटिंग करनी है बस। बैटरी है हाइड कर दें इसको, राइट क्लिक करें, ओके। यहाँ तक हमारा सारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब अच्छा एक काम करना है कि यहाँ से जो ये टिकट ट्रम्प ट्री आर एंटर करें, ये सही है। इसके साथ हमने काम करना है। सर्किट यहाँ पे ये वाला लगाना है, तो ये देखिए अलग अलग बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये मैंने खुद बनाए हैं। मीन उसी तरह आर्क लेके मैंने इसको इनको बनाया है, तो आप भी ये बनाएं खुद, क्योंकि ये भी है सिंबल वहां इसमें नहीं है। तो मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ कॉपी करता हूँ। तो मैंने आपको तरीका बताया है कैसे आप बनाते हैं। ट्रिम ओके इसको मूव करें, इसको राइट क्लिक करके ना आप यहाँ से अलाइन कर दें। लाइन एंटर ओके जी, हमारा कंप्लीट हो गया सारा सर्किट। F8 ओके इसी साथ अब मैंने सिर्फ ये लगाने, कॉपी कॉपी ओके तो हमारा तकरीबन ये सारा कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा और इस पे काम करना भी आ गया होगा। ट्रिम करता हूँ यहाँ से फालतू में। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद 3 फीस सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ, तो वो आप लिख सकते हैं, आपको तरीका है किस तरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी सो पेस्ट कर ले, एंड
या फिर आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।